बाहर निकल देते इसका इम्यूनिटी दुगुना हो जाता है, ठीक है ना। तो जितना हो सके बाहर निकालिए इसे शाम के टाइम या सुबह के टाइम, टाइम मिले तो, ठीक है। दो एक दिन में कुछ दिक्कत नहीं होता, लेकिन जब फाँका टाइम है तो ज़रूर निकालिए इसे। नहीं तो एक रूल बना लीजिए, शाम और सुबह निकालना है, ठीक है, दो टाइम ये कर सकते हो। इससे चीज़ों का इम्यूनिटी बहुत बढ़ता है और खाना भी ज़्यादा खाता है, खाना खाने का क्षमता बहुत बढ़ जाएगा। देख पा रहे कितने भूखे हैं। और बाहर ये सब अपना खाना स्टार्ट करेगा, खुद खा लेगा, ये सब जो मिलेगा यहाँ खा लेगा, ठीक है ना। छोटा छोटा घास खाता है, पत्ते खाता है, और इसका माइंड भी फ्रेश हो जाता है, सबसे ज़रूरी बात, ठीक है ना। ये ध्यान रखें तो थोड़ा इसको जितना हो सके ज़रूर बाहर निकालें और रूम का क्लीन अप कर दें। रूम का मैनेजमेंट ज़रूर करें, लीटर ज़्यादा गीला होता है तो उसे बाहर निकाल दीजिए, और लीटर के बदले और कुछ यूज करते तो अभी फ्रेश रहना चाहिए, ठीक है ना, फार्म की, और कुछ दिक्कत नहीं आता। देखो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसे ज़रूर ट्रेन करें अपने चूजे को, ताकि पालने में आसानी हो सके आपको और बेहतर रिजल्ट आए और ग्रोथ भी करें बेहतरीन, ठीक है ना। और ये फ्रेश एयर पाने से इसका एसाइटिस बीमारी है ना दोस्तों, कभी नहीं आता, ठीक है ना। एसाइटिस बीमारी जब फार्म में या जिस घर में रहते हैं उसमें अमोनिया गैस ज़्यादा जमना होता है, लेकिन अब क्लीन अप नहीं कर रहा है, उसी के कारण आता है। ये कुछ छोटी छोटी बातें जरूर ध्यान में रखें। आते इसको तुरंत खाना दीजिए, ठीक है ना। जब आप आओगे तो ऐसे आवाज़ करोगे तो तुरंत आ जाएगा आपका चूजे भी आपको देखते ही। तो जब आप आवाज़ निकलो तो चूजे जब भाग के आएगा ना तो उसको ज़रूर ट्रीट करिए, खाना दीजिए, खाना अच्छा अच्छा दीजिए, खाएगा इस टाइम बहुत ज़्यादा, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, भाई ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहूँगा, और जो मैं सीखता हूँ आप लोगों को बताता हूँ, छोटी छोटी बात चाहे क्यों ना हो, ये गलती मत करें, ये गलती होने के कारण ही आप बर्बाद होते हो। तो ये हमेशा ख्याल रखें, ये गलतियाँ दोबारा ना करें। ओके बाय।